हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। अगर आपका कोई छोटा मोटा व्यापार है, कोई बड़ा भी व्यापार है, और अगर कोई दुकान है, ऑफिस है आपके यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है ना दिवाली की पूजा किस प्रकार करनी है आपको बिल्कुल सरल तरीका बताऊँगी। क्योंकि दुकान में या कहीं ऑफिस है तो वहाँ बहुत सारा सामान जो है ना नहीं हम इकट्ठा कर पाते, तो एकदम सरल और पूरी संपूर्ण पूजा विधि जो है ना यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली। अगर आपके पास कलश का सामान है तो आप कलश जरूर स्थापित कीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में कलश अगर स्थापित करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मजबूरी समझ लीजिए, वरना आप कलश स्थापना ज़रूर कीजिए। एक कलश ले लीजिए, कलश को कंठ तक जल से भरना है, उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है, सिपाड़ी की गांठ, हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल, 1 रुपए का सिक्का उसके अंदर डालना है, ऊपर आम के या अशोक के पत्ते लगाने हैं, उसके ऊपर प्लेट रखनी है, चावल या गेहूँ से उस प्लेट को भर दीजिएगा, उसके ऊपर नारियल रखना है आपको कलावा बांधकर। इसके बाद मैंने माता लक्ष्मी के दाहिनी ओर जो है ना यहाँ पर दीपक रखा हुआ है चावलों के आसन के ऊपर। इस तरह की तस्वीर या कैलेंडर आपको दिवाली पर हर जगह मिल जाएंगे, तो कैलेंडर है तो कैलेंडर चिपका लीजिएगा। अगर आपके ऑफिस में या दुकान में माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति है तो उनको भी जो है ना आप इस तरह से विराजमान कर सकते हैं। ये आपको कहाँ लगानी है माता लक्ष्मी की, तो चौकी जो है ना पूरब दिशा की ओर लगाइएगा। जहाँ पूरब और उत्तर का कोणा होता है वो होता है ईशान कोण, और ईशान कोण में जो है ना देवी देवता निवास करते हैं। तो इस जगह जो है ना अगर आप पूजा करते हैं तो आपके व्यापार में, दुकान में जो है ना वृद्धि होती है। सबसे पहले मैंने एक हाथ में, अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल पुष्प लेकर माता लक्ष्मी, कुबेर जी और भगवान गणेश जी का, माता सरस्वती का जो है ना मन में ध्यान करते हुए सब सारे चावल जो है ना उन पर चढ़ा दिए हैं। ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस देवी देवता की आप पूजा करने वाले हैं उनका सबसे पहले ध्यान ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर दीपक का पूजन किया है, एक लोटे में जल लिया है और जल जो है ना पुष्प से इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। ये भी एक स्नान की विधि है, तो इस तरह से जो है ना भाव का स्नान आपको कराना है। इसके बाद आपको चंदन लगाना है माता लक्ष्मी को, कुमकुम का तिलक लगाना है, साथ ही साथ जो है ना आप कलश का भी पूजन करते जाएं, और उसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दीजिए। वो आपको चढ़ाना है। अगर आपकी कोई दुकान है और कोई व्यापार है या फिर कोई ऑफिस है तो वहाँ पर और भी सदस्य होंगे जो आपके सहयोगी होंगे, आपके साथ काम करते होंगे, तो उनको भी जो है ना इस पूजा में ज़रूर शामिल करिए। क्योंकि दुकान हो या कोई ऑफिस हो, अकेले दम पर नहीं चलता है, उसके कई जो है ना उसके सहयोगी होते हैं उस व्यापार को, दुकान को चलाने वाले, तो सबको आपको साथ में बिठाल कर जो है ना माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे व्यापार में जो है ना वृद्धि हो, हमारी दुकान में जो है ना वृद्धि हो। तो माता, अगर आप व्यापार करते हैं, दुकान है, ऑफिस है, तो ये सारी चीज़ें चढ़ाना बहुत अनिवार्य होता है, जैसे कि कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, हल्दी की गांठें, थोड़ा सा धनिया, और मैंने बहुत सारी सामग्री आपको बताई है पोटली वाले सामान में। तो ये सारा सामान रखना, माता लक्ष्मी को चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारा सामान जो है ना व्यापार में वृद्धि करता है। और कुछ जो है ना आप चाहें तो पैसे की गड्डी ले लीजिए, या फिर 11, 21, 51 रुपये या 501 रुपये, देखिए जैसी आपकी स्थिति हो, जैसा आपका व्यापार हो, उस हिसाब से जो है ना पैसे माता लक्ष्मी पर आप ज़रूर चढ़ाइएगा। क्योंकि माता लक्ष्मी जो है ना धन की देवी हैं, तो इन पर धन चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये सारा सामान जो है ना हम माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, क्योंकि ये सारे सामान में जो है ना माता लक्ष्मी का निवास होता है। सारे सामान को चढ़ाने के बाद जो है ना पोटली में भरा जाता है, तो आप पसारी की दुकान पर जब जाओगे, पंसारी की दुकान पर जब जाओगे, तो आपको इस तरह की लाल कलर की पोटली मिलेगी। उनसे जब आप पूछोगे कि धन वाली पोटली चाहिए, तो वो आपको इस तरह की पोटली देंगे और पोटली में डालने वाला सामान भी देंगे वो आपको। तो इस तरह की पोटली जो है ना माता लक्ष्मी पर आप ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद जो भी आपकी दुकान है, व्यापार है या ऑफिस से, वहाँ जो है ना इस तरह के खाते की जो है ना पुस्तकें ज़रूर होती हैं, जिसमें सारा हिसाब किताब लिखा जाता है, हिसाब किताब की पुस्तकें होती हैं, तो इसमें आप पूरा लेन देन वगैरह सब कुछ लिखते हैं। तो आज के दिन इनका भी पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरह से पूजन करना है, एक फूल में रूली चावल लगाकर इस तरह से खाते पर जो है ना आप चढ़ा दीजिए, और इस तरह सिंपल साधारण पूजन बता रही हूँ। अगर आप अकेले भी हैं और आपकी एक छोटी सी दुकान है, तो आप अकेले भी जो है ना इस तरह से पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जनेऊ चढ़ाना बिल्कुल ना भूले, बहुत
कम सामान में जो है ना यहाँ पर मैंने आपको पूजा करके दिखाई है। और माता लक्ष्मी के लिए अगर आप चुन्नी लेकर आए हैं तो चुन्नी उठा दीजिए, नहीं लेकर आए तो इस तरह से देखिए कलावा रूपी जो है ना वस्त्र आप पहना सकते हैं। माता लक्ष्मी को फलों में सबसे ज़्यादा पसंद जो है ना सीताफल है, तो आप माता लक्ष्मी को सीताफल का भोग ज़रूर लगाएं अगर आपको मिल जाए। अगर ना मिले तो जो फल आपको उपलब्ध हो रहे हैं वो भी आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ये पसंदीदा चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको बाई चांस अगर बाजार में दिख जाती हैं तो आप ज़रूर लेकर आइएगा। इसके बाद खीलें जो है ना ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। कैसे चढ़ाई जाती हैं, खीलों को चढ़ाने की भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। खीलों की जो है ना बारिश की जाती है माता लक्ष्मी पर, किस तरह से करनी है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से जो है ना आपको खीलें भरनी है और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के ऊपर जो है ना खीलों की जैसे बारिश होती है ना उस हिसाब से जो है ना आपको माता लक्ष्मी पर खीलों की बारिश करनी है। कहते हैं इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके यहाँ पर भी धन की बारिश होती है। तो 5 बार या 7 बार जो है ना इस तरह से माता लक्ष्मी पर आपको खीलों की बारिश करनी है। इसके बाद जलाए जाते हैं दीपक, तो आप चाहें तो 11, 21, 51 दीपक जला सकते हैं, जैसी देखिए आपकी सुविधा हो, लेकिन बड़ा दीपक जलाना बहुत अनिवार्य होता है। इस दीपक में 4 मुख की बाती लगाई जाती हैं और तिली के तेल के दीपक जो है ना जलाए जाते हैं। ये वाला जो दीपक आप देख रहे हो इसमें इतना तेल भरा जाता है कि रात भर जो है ना जलते रहना चाहिए। दीपक आप जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कहीं भी कपड़े पर्दे वगैरह नहीं होने चाहिए। थोड़ी सावधानी से चलाएं क्योंकि दुकान का और ऑफिस का ये रहता है कि जब हम पूजा करने के बाद अपने बच्चों के पास यानी अपने घर चले जाते हैं तो कांच का इस तरह का आता है मार्केट में कि दीपक के ऊपर आप रख दीजिए और फिर जो है ना कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस सेफ्टी के साथ आपको चलाना है। मेरे कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपकी अच्छे से पूजा भी हो, माता लक्ष्मी आपके घर में खूब कृपा भी करे, लेकिन कोई नुकसान जो है ना आपके घर में ना हो। तो दीपक को थोड़ा सा ध्यान से देख कर जलाना है आपको। इसके बाद जो है ना 7 या 11, 21, 51 दीपक आप जला सकते हैं। इनमें केवल एक एक बाती ही लगाई जाती है। सारे दीपकों का जो है ना आपको पूजन करना है। मैं यहाँ पर आपको दीपक जलाकर नहीं दिखा रही हूँ, केवल मैंने दीपक जलाने का तरीका आपको दिखा दिया है। इसके बाद जो है ना की जाती है माता लक्ष्मी की आरती। आप चाहें तो दूसरा अलग से दीपक लेकर भी माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो जो घी का दीपक सबसे पहले हमने जलाया है उसकी भी आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि आरती करना पूजा का जो है ना अंतिम कार्य होता है। तो इसके बाद पूजा जो है ना संपन्न हो जाती है, तो इस दीपक से आप आरती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। आरती करने के पश्चात जो है ना जल का अर्घ दिया जाता है और उस जल को जो है ना अपने पूरे जो भी आपके साथ पूजा में सम्मिलित हुए हैं सभी के ऊपर उस जल को छिड़का जाता है। इस तरह से जो है ना माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एकदम सरल और साधारण सा तरीका मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो आपका गल्ला है, जो हमारे इसको गल्ला ही बोलते हैं, मतलब जहाँ पर आप अपनी दुकान के ऑफिस के पैसे रखते हैं, जहाँ पर अपने ऑफिस के आप जरूरी कागजात रखते हैं, होती है ना तिजोरी हर दुकान वगैरह में, तो उस जगह का आपको पूजन जरूर करना है। वहां पर आपको स्वास्तिक बनाना है। एक फूल में रूली चावल लगाकर माता लक्ष्मी के नाम का वहां पर चढ़ाइए। अगर आपने वहां पर लाल कलर का कपड़ा बिछा रखा है तो उस लाल कपड़े के कपड़ों को जो ना आप बदल कर दूसरा नया लाल कपड़ा बिछाइए। चोरी में थोड़ी देर के लिए दीपक रखिए, उसके बाद ज्यादा देर तक नहीं रखना है, केवल थोड़ी देर के लिए रखना है, उसके बाद माता लक्ष्मी के पास पुनः वो दीपक रख दीजिए। रोज की शाम को आप चौकी हटा देना। इसके बाद जो है जो नारियल कलश का है इसे आप अपनी दुकान के या ऑफिस के दरवाजे पर टांगिएगा, ये बहुत ज्यादा शुभ होता है। लाल कलर के कपड़े में लपेट कर आपको टांगना है और जो जल के जो हमने कलश रखा है इस जल को जो है ना आप पूरे ऑफिस में छिड़क दीजिएगा। जो पोटली हमने बनाई है, जो माता लक्ष्मी पर हमने सामान चढ़ाया है, ये सारा सामान जो है ना आपको पोटली में भरकर अपनी दुकान की तिजोरी में रखना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।